दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। कैसे आप सब, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फिर एक अच्छी सी वीडियो लेके आपके बीच हाजिर हुए हैं। जैसे कि पता करते हैं कि आप जानना चाहते हैं कि बेटा है बेटी, तो इस पर अब रोक लग गई है। अब अल्ट्रासाउंड में नहीं बताया जाता है कि आने वाला मेहमान क्या है, उसके लिए घरेलू उपाय बहुत अच्छा होता है। तो हम छोटी छोटी जानकारी आपको देते रहते हैं और एक ही चीज़ बताते हैं, एक चीज़ में अगर फ़ायदा होता तो 10 चीज़ जानने की क्या ज़रूरत है। तो चलिए आज बता देते हैं कि आप अपने घर पर ही कैसे पता कर सकते हैं कि आने वाला मेहमान बेटा है या बेटी। तो इसमें महिला जो प्रेग्नेंट है वो आपको उनकी एक्टिविटी से आप पता कर सकते हैं कि आपका आने वाला मेहमान बेटा है या बेटी। जैसे कि अगर प्रेग्नेंट लेडी का बाल झड़ रहा है बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं तो उनका आने वाला मेहमान बेटा है। पैर अगर ठंडे पड़ रहे हैं, पैर ठंडा ठंडा रहता है तो आने वाला मेहमान बेटा है। और अगर चटपटा खाने का मन हो रहा है तो आने वाला मेहमान बेटा है। और अगर मीठा खाने का मन हो रहा है तो बेटी होगी। और एक और पहचान है कि ऊपरी हिस्से में अगर पेट में दर्द हो रहा हो तो आने वाला मेहमान आपका लड़का है। और एक और है, अगर निचला हिस्सा आपका आगे को निकला हुआ है तो आने वाला मेहमान आपका लड़का है। तो इतनी सारी चीज़ें आज हमने आपको बताई है, इनमें से एक भी चीज़ अगर आपका लग रहा है कि ऐसा है तो आप आने वाले मेहमान। बाकी हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि बेटी बेटे में कोई फ़र्क मत कीजिए, बेटी बेटा एक समान है। बस उनके संस्कार अच्छे हों, उन्हें लालन पालन अच्छे से कीजिए। और कहते हैं ना कि बेटियां लक्ष्मी होती हैं, तो अगर ऐसा है तो आप उन्हें भी एक्सेप्ट कीजिएगा, उनका भी सम्मान कीजिएगा। वो भी अगर आपके घर में आती हैं तो उतने ही प्यार दीजिएगा। ये मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ऐसे अच्छी अच्छी जानकारी लाते रहेंगे और कमेंट करके बताइएगा आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और अगर इस टॉपिक पे जो भी वीडियो बना रही हूँ इस पे मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं तो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट इसलिए बना दिया है कि आपको आसानी हो। तो ऐसे ही वीडियो लाएंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।